हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस फाइनली मैं आपके लिए फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो ला चुका हूं, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह का 3D AI कपल फोटो को बना सकते हो, जो कि अभी टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, अपने फोन के गूगल चाहे क्रोम को आपको ओपन करके आपको जाना है सर्च बार पर। सर्च बार पर जाएंगे और आपको यहाँ से बिंग इमेज को सर्च करना है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको सर्च करके। सर्च करने के साथ ही आपको फर्स्ट में इसका एक वेबसाइट शो हो जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको यहाँ से लॉग इन करने के लिए बोलेगा, जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट में सर्च बार का एक ऑप्शन होगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करके आपको इसमें टेक्स्ट को एडिट कर देना है। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया है, मैं दिखाता हूँ पहले इसको पेस्ट करके। यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट को पेस्ट किया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो वहां से इसको देख कर टाइपिंग या उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से पहले आपको इसमें टेक्स्ट को एड कर देना है। टेक्स्ट को एड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से नेम का एक ऑप्शन होगा, जहाँ पर कि मैंने क्यून और जुलूम को टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं दिखाता हूँ इसको यहाँ से कैंसिल करके, और आपको जिस भी नेम से फोटो को बनाना है अपने नेम को यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है क्रिएट पे क्लिक, इतना मेरी करने के बाद। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैंने रोकी और हिना को टाइपिंग किया है, तो मेरा यहाँ से पिक्चर जनरेट होकर आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले इस पे क्लिक करके, एंड अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ से मेरा कितना प्रोफेशनल 3D AI फोटो बन के आ चुका है। तो आप लोग इस तरह से बिल्कुल फ्री में ही अपने नेम का फोटो को क्रिएट कर सकते हो, जो कि अभी एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इतना करने के बाद आपको सिंपली करना है फोटो पे क्लिक, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है जो अभी आपको इसमें से बेस्ट लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसको बैक करके आपको जाना है फिर से सर्च बार पर। सर्च बार पर आने के बाद आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है येलो वाल का ऑप्शन, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ से येलो को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको ग्रीन इसमें टाइपिंग करके इसको येलो रिमूव कर देना है, और यहाँ से आपको ग्रीन इसमें टाइपिंग कर देना है। ग्रीन टाइपिंग करेंगे उसके बाद आपको सिंपली करना है फिर से क्रिएट पे क्लिक। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैंने ग्रीन को टाइपिंग किया था, यहाँ से मेरा ग्रीन वाल का जो है इमेज बन के आ चुका है। आपको जाना है फिर से सर्च बार पर, आपको यहाँ से ग्रीन को रिमूव कर देना है, आपको यहाँ से रेड को टाइपिंग करना है। रेड टाइपिंग करेंगे उसके बाद जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नेम का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ इस नेम को भी यहाँ से कैंसिल करके। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ से अपने नेम को इसमें फिर से एड करके नेम एड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से गर्ल का भी नाम इसमें एड कर देना है। तो यहाँ से मैंने क्यून और जुलूम को टाइपिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है येलो नैनो का ऑप्शन, येलो को रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है फिर से क्रिएट पे क्लिक, और आपको यहाँ से फिर से कुछ सेकेंड वेट करना होगा। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मेरा फिर से प्रोफेशनल 3D AI फोटो बन के आ चुका है। आप इस तरह से किसी भी स्मार्टफोन से बिल्कुल फ्री में ही अपने नाम का फोटो बना सकते हो, जो कि अभी टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आपको सिंपली इस पे क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर देना है। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो गाइस चलिए आज इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।